बड़वानी जिले में बिना अनुमति के दो पुलियाओं का स्थान परिवर्तन किए जाने पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने ग्राम पंचायत डोंगर गांव के निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायत की जांच की। इसके बाद दो पुलियाओं का स्थान परिवर्तन कर अन्य स्थान पर बनाने के लिए दोषी सरपंच, सचिव, सहायक सचिव एवं संबंधित उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए हैं। 21 अक्टूबर को कलेक्टर ने डोंगर गांव का दौरा किया था। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। निरीक्षण करना सर, डोंगर गांव में मैं जब भ्रमण पर गया था तो वहां पर एक जानकारी ये मिली थी कि वहां का जो सरपंच वगैरह है और वो सचिव ने मिलकर के वहां पे शिकायत तो ये थी, शिकायत का तरह साहब यहाँ पर पुलिया का पैसा इन्होंने हड़प लिया हुआ है। मैंने उसी समय एक पुलिया का मैंने भी निरीक्षण किया था, तो जब उस समय ये बताया गया सरपंच सचिव ने कि वो पुलिया दूसरी स्वीकृति पर हमने यहाँ पर बना लिया है। मैंने सीओ पार्टी को डिटेल में निर्देश दिए थे कि पिछले 4-5 साल में उस गाँव में कितनी पुलिया बनी हुए हैं, आप पूरी पुलियाओं का चेक कर लें और उसमें पुलिया में यदि कोई पैसा हजम किया हुआ है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। तो जांच में ये पाया गया कि उस गाँव में 4 पुलिया बनी हुई हैं, 2 पुलिया ऐसी थी जो सुबह दूसरे स्थान पर हुई थी परंतु उनको दूसरे स्थान पर बना दिया है। मतलब पैसे को इस तरह से गबन टाइप तो नहीं कह सकते, परंतु उसमें कलेक्टर के आदेश से जो पुलिया स्वीकृत हुई है तो उसको बिना कलेक्टर के अनुमति के दूसरे स्थान पर नहीं बना सकते। ऐसी 2 पुलियाओं में जो भी वहाँ का सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री और सहायक यंत्री वगैरह जो भी हैं, मैंने सीओ जिला पंचायत से उसमें प्रस्ताव मांगे हैं कि इनके नाम वगैरह बताइए, सख्त कार्रवाई भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।